हे यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल अकॉस्टिक पार्टी, दिस इज सैंडी। गाइस, बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं रिगार्डिंग द पाम ब्यूटिंग लेसन। वेल, अभी जो मेरे बिगिनर सीरीज का लेसन नंबर 7 है, उसके बाद आई एम ट्राइंग टू गिव इट नाउ लेसन नंबर 8 एंड आई विल ट्राई टू पुश इट ऑफ ताकि मैं उसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकूं। राइट, टुडे विल बी डूइंग द लेसन नंबर 8, दैट इज पाम ब्यूटिंग। ये पाम ब्यूटिंग क्या है, कौन से प्राणी का नाम है, इसे किस तरीके से करते हैं, हाउ टू मास्टर पाम ब्यूटिंग, ऑल ऑफ दिस कमिंग ऑन अकॉस्टिक पार्टी, कमिंग अप नेक्स्ट। दोस्तों, सर्च कीजिए मेरा चैनल अकॉस्टिक पहाड़ी, उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते इस बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। जब ये बेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, तब आपको मेरी वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो गाइस, पाम ब्यूटिंग के जो एग्जाम्पल है, फ्यू एग्जाम्पल्स आते हैं, सबसे ईजी वाला मैं आपको सिखाऊंगा आज। देखिए इस तरीके से, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पाम म्यूटिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पाम म्यूट होता क्या है। राइट, जब हम कोई गाना बजा रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक पैटर्न पकड़ लो। सबसे पहले आपको काम करना है आप कौन सा पैटर्न पकड़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न देखो, ये वाला मैंने यूज़ किया है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। राइट, बहुत सिंपल पैटर्न है, आप आराम से, मुझे लगता है अब तक तो आपको गिटार बजाना आ गया होगा और ये पैटर्न बहुत ईजी है। दिस इज द ईजिएस्ट पैटर्न, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। इसे आप रिपीटेशन में बजाइए, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। अब इसमें जो ब्यूटिंग है वो कहाँ पे आपको करनी है, पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में ब्यूटिंग कहाँ पे आएगा। तो आपको करना क्या, देखो, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। इसमें म्यूट अप अगर जोड़ दोगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अलग अलग स्क्रीन पे मैंने अलग अलग दिखाया हुआ है कि म्यूट किस किस स्ट्रम की जगह पे म्यूट आएगा। डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप, दोनों एक ही हैं, बस उसमें जो बीच का स्ट्रोक है डाउन डाउन अप, वो आपका बन गया डाउन म्यूट अप। राइट, फिर जो सेकंड पार्ट है अप डाउन अप, उसमें आपका बन गया अप म्यूट अप। ओके दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया, अब आपको करना किस तरीके से वो बताता हूँ। अब म्यूट क्या होता है दोस्तों, देखो ये आपका जो पाम है ना, देखो ये आपका जो पाम है हथेली, इसको आपको स्ट्रिंग्स पे मारना होता है इस तरीके से। ठीक है, ये तो टच करना हो गया, ये तो आपने टच कर दिया। राइट, उसके बाद आपको जब स्ट्रिंग को प्ले करोगे तो आपको स्ट्रिंग को हिट भी करना है, दोनों एट अ टाइम एक साथ होना चाहिए इस तरीके से। राइट, मैं आपको स्लो मोशन में साइड लुक्स दिखाता हूँ, देखो। अब आप स्लो मोशन में देखिए, देखो ये देखो, ठीक है, मैंने एक साथ आया, ये मेरी उंगली है, ये हिट करेगी उस पर और ये मेरा पाम है जो टच करेगा, ये ऐसे। राइट, देखो स्लो मोशन देखो, ये ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे। राइट दोस्तों, फाइन, डाउन डाउन अप अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप, फिर वही अप म्यूट अप डाउन आपको इस साइड से दिखाऊंगा, इस साइड लुक से हाउ इट लुक्स लाइक। देखो, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। अब अगर आपको मेरे स्ट्रोक भी देखना है तो मैं आपको स्ट्रोक भी दिखा देता हूं। देखिए स्ट्रोक इस तरीके से लगते हैं दोस्तों, डाउन डाउन अप, देखो डाउन डाउन अप अप। मैं हमेशा इस तरीके से करता हूं, ऐसे एकदम से, ठीक है, ऐसे उंगली रखनी है और ऐसे अप अप डाउन पोर्शन ऐसे रखनी है। आपको मैंने पहले वाले लेसन में बताया था आपको स्लैंटिंग पोर्शन रखना है ऐसे, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। अब मेरे रिस्ट का मूवमेंट देखो, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। अब आप मेरा पाम म्यूट देखो, देखो इस तरीके से होता है, डाउन म्यूट, देखो म्यूट मैंने क्या किया, देखो ये देखो ऐसे। राइट, देखो हल्के से ये इस तरीके से, राइट इस तरीके से, डाउन
अप नोट अप डाउन नोट अप अप नोट अप। आप पाम को देखो, पाम और ये एक साथ आ रहे हैं, देखो ये वाला और ये वाला पाम एक साथ आएगा, डाउन नोट अप अप नोट अप डाउन नोट अप अप नोट अप डाउन नोट अप अप नोट अप। नोट आपको देखो कैसे करना है, ये स्ट्रोक मारा आपने और ये हथेली यहाँ मारनी है आपको, ठीक है, इस तरीके से देखो ऐसे ऐसे एक साथ दोनों लगने चाहिए आपके ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो, ऐसे 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 देखो डाउन म्यूट ऐसे स्ट्रिंग आपकी ऐसे हिट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ये तैसे तो ये आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है, डाउन ठीक है, डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप। जब म्यूट करते हैं तो आपकी ये उंगली जो है ना इस पर टच होती है और आपका ये पाम कुछ इस एंगल में आता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये वाली उंगली आपकी बाहर निकलेगी ऐसे मारते हुए, ऐसे ऐसे मारते हुए बाहर निकलेगी, ठीक है, और ये जो पाम आपका पीछे की तरफ आया ये उस पर टच हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे उंगली आपकी बाहर गई और पाम ऑटोमेटिकली आपको पीछे आ गया, ऐसे टच हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है, देखो डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप डाउन म्यूट। देखो म्यूट मैंने कैसे किया, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना दोनों एक साथ होने चाहिए, ऐसे ऐसे राइट, मारा आपने ऐसे और टक से आपने पीछे पाम लगा दिया इस तरीके से, ऐसे देखो तो आपने किया डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, सबसे इजी तरीका है ये, ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रमिंग है जो बहुत इजी स्ट्रमिंग है, इसलिए मैंने आपको इसमें सिखाया था। ओके दोस्तों, अभी तो आपने पाम म्यूटिंग सीख लिया, लेकिन बहुत टाइप की म्यूटिंग की वेरिएशंस होती हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, अभी आपने देखो पाम म्यूटिंग सीखा, अभी आपको ये म्यूटिंग सीखनी है, देखो ऐसे ले राइट, ये म्यूटिंग यहाँ से नहीं की जाती है, ये म्यूटिंग यहाँ से की जाती है, ठीक है, इस तरफ से मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको, देखो अगर आप इसे कंटिन्यू बजाओगे तो ऐसे बजेगा, इसे कंटिन्यूस बोलते हैं हम गिटार की लैंग्वेज में, अगर आप किसी स्ट्रिंग को बजा रहे हो ना ऐसे और इसका साउंड कंटिन्यू है तो इसे कंटिन्यूस साउंड कहते हैं, ठीक है, आप देखो उसको म्यूट कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ से म्यूट नहीं किया, ये मैंने इधर से किया म्यूट, अभी आपको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को पकड़ा है, ई स्ट्रिंग को सेकेंड फ्रेट पर पकड़ा है, राइट, अगर मैं इसको बजाऊँगा यहाँ से ऐसे तो ये आपका कंटिन्यू साउंड है, राइट, अब इसको अगर आपको स्पेशली म्यूट करना है तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, उसको ढीला छोड़ना है बस, दब आप पहले ऐसे इसको प्ले कीजिए, अब इसको ढीला छोड़ दिया मैंने, वो ऑटोमेटिकली म्यूट जाएगा, इस फिंगर का मूवमेंट देखिए मेरा, अभी ये दबी है, देखो अभी ये दबी हुई है, जैसे मैं इसको दबाऊँ इसको बजाऊँगा यहाँ से, उसके बाद आप इसको गौर करना है, इस उंगली पर ढीला छोड़ दूँगा मैं इसको, ये देखो ये मैंने ऐसे किया, ऐसे जर्क मारा, ऐसे ढीला छोड़ा, ऐसे ऐसे राइट, ध्यान आपको क्या देना है, आपको ये बजाने के बाद ही छोड़ना है, अगर आप बजाने से पहले छोड़ दोगे तो देखो कैसे आएगा, फटी साउंड आएगी, टाइमिंग मैच नहीं होगा, आप पहले आपको बजाना है उसके बाद छोड़ना है, लेकिन इतनी देर में भी नहीं छोड़ना है कि मतलब इफेक्ट उसका कम हो जाए, ऐसे ठीक है, आई डोंट नो कि इतना एक सेकेंड मिली सेकेंड जितना भी आप समझ लो, बस आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा और आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप मैं बजा रहा हूँ, देखो यहाँ पे है, ये मैंने यहाँ से बजाया, अब इसको देखो और देखो आप, ये देखो ढीला छोड़ दिया, अभी अभी दबाया हुआ है, ये छोड़ दिया, अब देखो इस एंगल से देखो, अभी मैं यहाँ से इधर से बजा रहा हूँ, देखो मेरा हाथ इधर यहाँ पे है, इस तरफ मेरा हाथ है,
और ये उंगली मैंने यहाँ पे रखी है। अब देखो मैं यहाँ से बजाऊंगा और इसको देखो केवल ऐसे ढीला छोड़ूंगा ऐसे, ये देखो ये अभी दबाया है, ढीला छोड़ूंगा, टच रहना चाहिए उस पर, ठीक है। आपने ये भी दबा रखा है और इसको ढीला छोड़ दिया, टच है देखो अभी भी ढीला छोड़ा पर टच है। देखो वैसे आप कॉर्ड में पकड़ सकते हो, जैसे मैंने डी कॉर्ड पकड़ा है और मैं ऐसे ही बजा रहा हूँ, ऐसे तीन बजा रहा हूँ ये नीचे के जो डी कॉर्ड के हैं, राइट। आप ऐसे म्यूट कर सकते हो, राइट दोस्तों। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई गेस आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, पाम म्यूटिंग आपके लिए काफी इजी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड नीचे कमेंट में अपने व्यूज शेयर करना ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता दैट इज ओके, बट मैं आपके कमेंट्स वैल्यूबल कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता हूँ, राइट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम आईडी इज acoustic_party, एंड प्लीज मेरे फेसबुक पेज acoustic party को आप फेसबुक पे सर्च करके जरूर लाइक कीजिए, राइट। विल बी कमिंग बैक सून with more songs and of course more lessons. Till then, take care. Bye-bye.